The Lallan Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। सबसे पहले दिन का वीडियो। एंड नाउ फॉर द गोल्ड इन द कैटेगरी, इट गोज टू द लल्लन टॉप, द लल्लन टॉप सौरभ द्विवेदी। थैंक यू ज्यूरी। आज हम अपने वीडियो की बात करेंगे, आपके लल्लन टॉप को मिले सम्मान का वीडियो। आप सब करोड़ों दर्शकों के लाड़ प्यार से आपके दुलारे दी लल्लन टॉप ने झोला भरकर अवार्ड बटोरे हैं। एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड्स ENBA के कुल 9 अवार्ड्स लल्लन टॉप को मिले हैं। अभी किस किस कैटेगरी में मिले हैं ये जान लीजिए। पहला मिला है बेस्ट डिजिटल मीडिया न्यूज चैनल हिंदी का अवार्ड। एंड नाउ फॉर द गोल्ड इन द कैटेगरी, इट गोज टू द लल्लन टॉप सौरभ द्विवेदी। थैंक यू ज्यूरी। बैक टू बैक दूसरा साल और ये फिर से गोल्डन ट्रॉफी मिल गई है और मेरी पूरी टीम के लिए ये है। मैं सिर्फ उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लल्लन टॉप के लड़के लड़कियां रात दिन कड़ी मेहनत करते हैं। कितनी करते हैं यूं सोचिए कि जो दो साथ आए वो स्टेज पर नहीं आए, एक वीडियो बना रहा है, एक फोटो ले रहा है। तो ये पूरी लल्लन टॉप की टीम के लिए है और जो हमारे दो मेंटर हैं KP और हमारे मैनेजिंग एडिटर कमलेश सिंह, उनके लिए है। थैंक यू सो मच। और उन सारे दर्शकों के लिए, करोड़ों दर्शकों के लिए जो अपना प्यार लगातार बरसा रहे हैं, थैंक यू। दूसरा अवार्ड मिला है बेस्ट एंकर का आपके चहेते सौरभ द्विवेदी को। इट गोज टू द लल्लन टॉप सौरभ द्विवेदी, कांग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग द गोल्ड। लल्लन टॉप शो, नेता नगरी, दुनियादारी, पॉलिटिकल किस्से और ग्राउंड कवरेज में सौरभ से अक्सर आपका वास्ता होता रहता है। तीसरा अवार्ड मिला है बेस्ट इन डेप्थ सीरीज हिंदी में CAA प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए। जब देश में NTCA विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तो हमारे साथी निखिल वाट मैदान में उतरे, तो लोगों से बात की, उनकी बातें आप तक पहुंचाईं। इस पूरे कवरेज को अवार्ड मिला है। एंड द सेकंड सिल्वर अवार्ड गोज टू द लल्लन टॉप। As he said, we will be back once again on this stage, the लल्लन टॉप। चौथा अवार्ड मिला है द लल्लन टॉप के वीकली शो अर्थात को बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम का, अर्थात माने धन की बात। इसमें हमारी आपकी जेब से जुड़ी, बजट से जुड़ी, देश के बजट से जुड़ी बातें होती हैं। GDP और राजकोषीय घाटे तक की भी बात होती है। बिल्कुल आसान भाषा में आपके लिए प्रोग्राम लेकर आते हैं सिद्धांत मोहन और इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन के संपादक अंशुमान तिवारी। पांचवा अवार्ड है बेस्ट कवरेज सोशल इशू हिंदी का। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए, दी लल्लन टॉप भी पहुंचा बिहार। वहां हमारे साथी अभिषेक गुप्ता गया के गांव भूपनगर पहुंचे, जहां लोगों को आर्सेनिक और फ्लोराइड मिला पानी मिल रहा था। आसान तरीके से कहें तो जहर मिला पानी, जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े इस कवरेज के लिए दी लल्लन टॉप को गोल्ड अवार्ड मिला है। एंड द सेकंड गोल्ड अवार्ड गोज टू द लल्लन टॉप। कांग्रेचुलेशंस द लल्लन टॉप। After 73 years of independence, a village in Bihar where groundwater contaminated with arsenic and fluoride. छठा अवार्ड है बेस्ट कवरेज सोशल इशू हिंदी का। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। हर वोटर के अपने मुद्दे होते हैं। इन्हीं वोटर्स में शामिल होती हैं सेक्स वर्कर्स भी। राजनेता अक्सर उनके मुद्दे तो दूर ये भी भूल जाते हैं कि वो वोटर भी हैं। हमारी साथी प्रतीक्षा पहुंची दिल्ली की GV रोड, बात की सेक्स वर्कर्स से। इस कवरेज के लिए दी लल्लन टॉप को सिल्वर अवार्ड मिला है। एंड द सिल्वर अवार्ड गोज टू द लल्लन टॉप। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन द लल्लन टॉप, हाउ सेक्स वर्कर्स लिव देयर लाइफ। सातवां अवार्ड मिला है बेस्ट कवरेज ऑन टूरिज्म सेक्टर के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कवर करने के दौरान लल्लन टॉप टीम रोहतास पहुंची। रोहतास में भी कहां, शेरशाह सूरी के मकबरे पर। सौरभ द्विवेदी ने यहाँ कुछ लोकल लोगों से बात की और जाना कि इस मकबरे की क्या खूबियां हैं और क्यों आप जब भी रोहतास के आसपास कहीं भी पहुंचे तो एक बार यहाँ जरूर हो लें।
इस कवरेज के लिए द लल्लन टॉप को ब्रॉन्ज अवार्ड मिला। द बेस्ट कवरेज ऑन ट्रैवल सेक्टर हिंदी। Programming. Best coverage on travel sector, Hindi. And the bronze award goes to The London Top. आठवां अवार्ड मिला बेस्ट इंटरनेशनल प्रोग्राम के लिए। दुनियादारी हमारा अंतर्राष्ट्रीय खबरों का बुलेटिन है। यह बात होती है दुनिया की, दुनिया भर में हो रही उठापटक के भारत के लिए क्या मायने हैं, इन सब पर तसल्ली से बात होती है दुनियादारी में। एंड नाउ फॉर द सिल्वर इन द कैटेगरी गोज टू द लल्लन टॉप दुनियादारी सौरभ द्विवेदी। नौवां और आखिरी अवार्ड मिला है यंग प्रोफेशनल ऑफ द ईयर का हमारे युवा साथी निखिल वॉट को, जिनको आप देखते हैं अलग अलग ग्राउंड रिपोर्ट्स में, नेता नगरी में और रक्षा मामलों से जुड़ी खास सीरीज रखवाले में। फिलहाल निखिल असम और बंगाल की चुनावी यात्रा पर हैं। मूविंग नाउ टू द यंग प्रोफेशनल ऑफ द ईयर एडिटोरियल हिंदी, द ब्रॉन्ज गोज टू निखिल वॉट लल्लन टॉप। इन सब अवार्ड्स के लिए पूरी दी लल्लन टॉप टीम आप सभी करोड़ों चाहने वालों का शुक्रिया अदा करती है। इसी तरह अपना प्यार हम पर बरसाते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए दी लल्लन टॉप को, और जो कहना हो वो हमसे आप कहते भी रहिए। कमेंट के जरिए, मेल के जरिए आप अपने सुझाव, आलोचनाएं और समीक्षा हम तक पहुंचाते रहिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज का दी लल्लन टॉप शो, और सबसे पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी छत्तीसगढ़ से है। बीजापुर में हुए नक्सली हमले में 22 जवानों के शहीद होने के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री ने कहा कि देश जवानों का बलिदान याद रखेगा और यह व्यर्थ नहीं जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम दो मकाम और आगे बढ़े हैं। आज छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री बघेल जी के साथ सभी फोर्स के अफसरों के साथ अभी रिव्यू मीटिंग भी की, और रिव्यू मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो, ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया, जो बताता है कि हमारे जवानों का मॉरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़ा है। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी, और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के अधिकारियों के साथ नक्सल हमले को लेकर समीक्षा बैठक की। दरअसल 3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। 3 अप्रैल को मौके से एक जवान का शव बरामद किया गया था, 21 जवान लापता थे। 4 अप्रैल को सर्च ऑपरेशन के दौरान 21 और जवानों के शव बरामद किए गए। अभी भी एक जवान लापता है जिसकी तलाश जारी है। इस मुठभेड़ में 31 जवान जख्मी भी हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। मौके से जवानों को केवल एक महिला नक्सली का शव बरामद हुआ है। हालांकि बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए हैं और घायल भी हुए हैं, लेकिन सही संख्या के बारे में फिलहाल दावा नहीं किया सकता है। जिस महिला नक्सली का शव मिला है वो पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी PLGA की बटालियन 1 की मेंबर थी। इस हमले के पीछे टॉप नक्सल कमांडर माडवी हिडमा का नाम सामने आ रहा है। वो पहले भी कई हमलों में शामिल रहा है और निर्मम हत्याओं के लिए कुख्यात है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनकाउंटर के बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान लापता जवान के नक्सलियों के कब्जे में होने के इनपुट मिले हैं। हालांकि अभी तक नक्सलियों की ओर से किसी समझौते की बात नहीं हुई है और ना ही उनकी कोई मांग सामने आई। दूसरी सुर्खी महाराष्ट्र है। उद्धव ठाकरे सरकार में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। देशमुख ने इस इस्तीफे की वजह हाईकोर्ट के उस आदेश को बताया है जिसमें CBI जांच के आदेश दिए गए हैं। अनिल देशमुख ने अपनी पार्टी NCP के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने CM उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा सौंप दिया। महाराष्ट्र के CM को दिए अपने त्याग पत्र में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने लिखा है कि उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद पद पर बने रहना
नैतिक रूप से सही नहीं लगता है। इससे पहले परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर वसूली के आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि देशमुख ने पुलिस के कुछ अधिकारियों को 100 करोड़ की वसूली करने को कहा था। तीसरी सुर्खी लड़ाकू विमान रफाल से जुड़ी है। फ्रांस की वेबसाइट मीडिया पार्ट ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि 2016 में जब भारत फ्रांस के बीच रफाल लड़ाकू विमान को लेकर समझौता हुआ, उसके बाद दसों एविएशन ने भारत में एक बिचौलियों को बतौर गिफ्ट 1 मिलियन यूरो दिए थे। साल 2017 में दसों के अकाउंट से 5,08,925 यूरो गिफ्ट टू क्लाइंट्स के तौर पर ट्रांसफर हुए थे। इस बात का खुलासा तब हुआ जब फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी एएफए ने दसों के खातों का ऑडिट किया। मीडिया पार्ट की रिपोर्ट के मुताबिक खुलासा होने पर दसों ने सफाई में कहा था कि इन पैसों का इस्तेमाल रफाल लड़ाकू विमान के 50 डमी मॉडल बनाने में हुआ था। हालांकि ये मॉडल कहाँ और कैसे इस्तेमाल हुए इसका कोई सबूत नहीं है। फ्रेंच मीडिया में रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। प्रधानमंत्री जी तो कहते थे ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कमीशन खोरी और बिचौलिए कैसे हो सकते हैं? और भारत में स्टेटेड पॉलिसी है नो मिडलमैन नो कमीशन इन डिफेंस डील्स, और अगर कोई ऐसा करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, कंपनी ब्लैकलिस्ट होगी, कंपनी पर FIR दर्ज होगी। ये इस देश का कानून है। हम केवल ये पूछ रहे हैं क्या इस देश का कानून इस देश की सरकार पर लागू होता है या इस देश के सरकार और प्रधानमंत्री कानून और संविधान से ऊपर उठ गए हैं। जवाब में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाया था लेकिन उससे हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी फिर राफेल की बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में तो हार गए, CAG ने भी फिर उसको रिजेक्ट कर दिया। मैं कांग्रेस पार्टी से कहूंगा कृपया करके भारत की सुरक्षा बलों के मनोबल को कमजोर न करें, और ये बात मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं, ये उनका इतिहास है। इन्होंने उरी पे सबूत मांगा था ना, इन्होंने बालाकोट पे सबूत मांगा था ना, जिन सेना के साहसिक कार्रवाई की पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है उस पर सवाल खड़े करना। तो फिर एक बार राफेल मामले पर सियासत शुरू हो गई है। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। आज से करीब 100 साल पहले 1918 में एक महामारी दुनिया में फैली थी स्पेनिश फ्लू नाम से। कहते हैं कि सिर्फ साल भर में उस वक्त दुनिया के एक तिहाई लोग इस महामारी की चपेट में आ गए। यूरोप, अमेरिका, भारत, हर जगह यह महामारी पहुंच गई थी। दुनिया की सबसे जानलेवा महामारियों में स्पेनिश फ्लू को गिना जाता है। लेकिन जानने वाली बात यह है, हैरान करने वाली बात यह है कि इस महामारी से मरने वालों की दर 1% से भी कम थी। इसके बावजूद इससे मरने वालों की तादाद आज की दिल्ली के दोगुने से भी ज्यादा थी, यानी करीब 5 करोड़ लोगों की इसमें मौत हुई थी। कहीं कहीं 10 करोड़ लोगों के मरने का भी आंकड़ा मिलता है। समझने की बात इतनी सी है कि अगर महामारी काबू में ना हो तो मृत्यु दर कम होने के बावजूद लाशों का अंबार लग सकता है। और महामारियों के इतिहास में सबक ये मिलता है कि अगर वक्त पर संक्रमण नहीं रोका गया तो फिर मौतों की गिनती करने के अलावा कुछ बचता नहीं। कोरोना भी एक महामारी है लेकिन अफसोस अब लोगों ने इसे महामारी मानना छोड़ दिया है, और इसी वजह से देश में कोरोना से होने वाली मौतों का ग्राफ एक बार फिर सीधे ऊपर चढ़ने लगा है, पहले से ज्यादा तेजी से। जिस तरह संक्रमण के आंकड़े आ रहे हैं उनसे लगता है कि कोरोना फिर से एक बहुत बड़ी आफत बन रहा है। रविवार को देश में कोरोना के 1,03,558 केस दर्ज हुए हैं। सिर्फ 24 घंटे में इतने नए केस, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। देश में पिछले साल 17 सितंबर को कोरोना के अधिकतम नए मामले दर्ज हुए थे और ये आंकड़ा था 97,894, लेकिन अब इससे 6,000 ज्यादा मामले आए हैं। और बात सिर्फ ये पुराना रिकॉर्ड तोड़ने की ही नहीं है, ज्यादा चिंता की बात संक्रमण की रफ्तार है। पिछले साल संक्रमण के रोजाना वाले आंकड़े 20,000 से 97,000 पहुंचने में 76 दिन लगे थे, लेकिन इस बार सिर्फ 25 दिन में केस बढ़कर 20,000 से 1,00,000 पार चले गए। पिछले साल जब हमारे पास वैक्सीन नहीं थी तब भी इतने तेज कोरोना केस नहीं बढ़ रहे थे। संक्रमण की यही रफ्तार रही तो 2,00,000 रोजाना वाला आंकड़ा भी ज्यादा दूर नहीं है।
हालात कितने जल्दी खराब हो रहे हैं इसका अंदाजा यूं लगाइए कि फरवरी तक अगर 1000 लोग कोरोना टेस्ट कराते थे तो उनमें सिर्फ 16 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आती थी। अब ये रेट 12% तक पहुंच गया है, यानी 1000 लोगों का कोरोना टेस्ट हो तो 120 तक पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। ये रफ्तार भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। जब पिछले सितंबर में देश में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज थे तब भी सिर्फ पॉजिटिव आने वालों की दर 9% ही थी। संक्रमण की इस दूसरी लहर में बस फर्क इतना है कि सिर्फ कुछ राज्यों में ज्यादा संक्रमण फैल रहा है। रविवार को जितने मामले आए उनमें से करीब 55% अकेले महाराष्ट्र ने जोड़े। महाराष्ट्र में कुल 24 घंटे में कोरोना के 57,074 केस आए। दूसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में 5,250 केस दर्ज हुए हैं। तीसरे नंबर पर कर्नाटक है, यहाँ 4,553 केस दर्ज हुए। इन तीन राज्यों के साथ अगर पंजाब और केरल का नाम भी जोड़ दें तो कुल नए मामलों का 75% हिस्सा इनमें से हो जाएगा। और इन पांच राज्यों के साथ दिल्ली, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश को भी जोड़ दें तो 8 राज्यों से ही 82% नए मामले आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चिंता की बात सिर्फ इन 8 राज्यों में ही है, तो ऐसा भी नहीं है। अगर आपके राज्य का नाम इन 8 में नहीं है तो कुछ और राज्यों के नाम भी हैं जहां कोरोना ने सिर उठाना शुरू कर दिया है। इन 8 के अलावा 4 राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, यानी चिंता देश के 12 राज्यों से है। एक बार फिर इनके नाम देख लेते हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरल। सरकारें भी और वैज्ञानिक भी ये मान रहे हैं कि जैसे हालात महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पैदा हो गए हैं उसका जवाब सिर्फ वैक्सीन नहीं हो सकता। संक्रमण काबू करने का तरीका पिछले साल वाला ही होगा, यानी लॉकडाउन। और इसलिए महाराष्ट्र ने आंशिक लॉकडाउन लगा भी दिया है। महाराष्ट्र में धारा 144 लगा दी गई है। सुबह 7 बजे से रात 8 बजे के बीच कहीं भी 5 लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। रात में किसी के बिना इजाज़त या बिना वाजिब वजह के सार्वजनिक जगहों पर भी पाबंदी है। शनिवार और रविवार को भी सार्वजनिक जगहों पर ना जाने वाला नियम लागू रहेगा। 30 अप्रैल तक ये नियम लागू रहेंगे। ऐसी ही बंदिशें कई और राज्यों में भी लागू की गई हैं। जब लॉकडाउन होता है तो क्या होता है? बाजार, फैक्ट्रियां, काम धंधे बंद होते हैं और इनके बंद होने से बात फिर मजदूरों के पलायन पर पहुंच जाती है। पिछले साल जब सब कुछ बंद था तो हमने मजदूरों को हजारों मील पैदल जाते देखा था। इसके बाद हालात ठीक हुए तो ये मजदूर गांव से फिर शहर की तरफ अपने काम धंधे पर लौटे। अब एक बार फिर महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद मजदूर यूपी बिहार में अपने गाँवों की तरफ निकल पड़े हैं। हालांकि इस बार बस और ट्रेन चल रही हैं तो पैदल जाने की नौबत नहीं है। इसमें दिक्कत वाली बात यह है कि महाराष्ट्र से जो लोग बाहर जा रहे हैं अगर उनकी सही से जांच या उन्हें क्वारंटीन नहीं किया गया तो बाकी राज्यों के गांव देहात तक महाराष्ट्र से कोरोना संक्रमण जा सकता है और फिर चुनौती और बड़ी हो जाएगी। होली के माहौल में भी हमने देखा कि तमाम लोग यूपी बिहार लौटे महाराष्ट्र से और इस दौरान कई जगहों से कोरोना पॉजिटिव के मामले भी निकले। इससे संक्रमण और बढ़ रहा है। इस नए संक्रमण को लेकर कई तरह के डर हैं, कई सवाल हैं। एक सवाल ये है कि जब पिछले साल के सितंबर महीने में हम कोरोना संक्रमण के पीक से गुजर चुके हैं तो अब मामले तेजी से क्यों बढ़ने लगे हैं? सितंबर वाले पीक के बाद वैज्ञानिक कहने लगे थे कि अब शहरों में संक्रमण कम ही होगा क्योंकि बड़े स्तर पर लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। सीरो सर्वे के आंकड़ों के आधार पर यह जानकारी आई थी कि कई शहरों में तो 50% तक लोगों में एंटीबॉडीज बन गई हैं। पूरे देश के लिहाज से यह आंकड़ा 20% का था। सीरो सर्वे के आधार पर यह बात कही जा रही थी कि पुणे, मुंबई जैसे बड़े शहरों में अब कोरोना उस स्तर तक नहीं फैलेगा, लेकिन ये बात गलत साबित हो रही है। अब ऐसे शहरों में भी कोरोना फैल रहा है और वैज्ञानिक इस पर कुछ साफ कहने की स्थिति में भी नहीं। कोरोना की पहली वेव झेलने के बाद हालांकि अब हम स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर पहले से बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन अगर ये रफ्तार ना रुकी तो हमारे अस्पताल, बेड्स, आईसीयू सब कम पड़ जाएंगे। देश में अब कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 7,41,830 हो गई है, यानी देश में अब तक आए कुल कोरोना मरीजों का करीब 6% एक्टिव केस है। कुल एक्टिव मामलों में 58% अकेले महाराष्ट्र में है और इसीलिए अब महाराष्ट्र से वो तस्वीरें आने लगी हैं जहां अस्पतालों में कहीं बेड की कमी है तो कहीं पर एक ही बेड पर 2 मरीजों को सुलाया जाता है तो कहीं मरीजों की मौत हो जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में भी लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बीच प्लाज्मा की डिमांड बढ़ गई है, जबकि प्लाज्मा दान करने वालों की संख्या कम पड़ रही है। दिल्ली में कोरोना के मामलों का आंकड़ा 4,000 को पार कर गया है। हालांकि दिल्ली अभी देश के महाराष्ट्र जैसे राज्यों से बेहतर स्थिति में है
हमें मालूम है कि इन आंकड़ों के बावजूद लोग कोरोना को अब गंभीरता से नहीं ले रहे, शायद उसकी वजह कम मृत्यु दर भी हो। पिछले 24 घंटों में देश में 478 लोगों की मौत हुई, इनमें से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतें 222 हुई। इसके बाद दूसरे नंबर पर 51 मौतों के साथ पंजाब है। मौतों का यह आंकड़ा या मृत्यु दर अभी कम जरूर है, लेकिन एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि ये तेजी से बढ़ सकती है। मृत्यु दर कम इसलिए है क्योंकि अभी जवानों में ज्यादा कोरोना फैल रहा है, अगर इनसे परिवार के और लोगों में फैलता है ये तो मृत्यु दर बढ़ सकती है। अब आखिर में बात आती है कि कोरोना इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है। हमारी लापरवाही की वजह से, कोरोना को गंभीरता से ना लेने की लापरवाही। कोरोना का ये संक्रमण रोकना हमारे हाथ में है, हमें ये समझना चाहिए कि अभी मौत के आंकड़े खबरों में दिखते हैं लेकिन किसी दिन इनमें से एक नंबर हमारे घर से भी हो सकता है, इसलिए हमें उस दिन का इंतजार नहीं करना है। सरकार क्या कर रही है या चुनाव में भीड़ उमड़ रही है या कौन क्या कर रहा है, इन बातों में ज़्यादा उलझने से अच्छा है हम अपना ख्याल खुद रखें, तभी हम कोरोना पे काबू पा सकते हैं। इसलिए आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, कोविड-19 के दौर में खुद को बचा के रखिए, परिवार को सुरक्षित रखिए। शुभ रात्रि।